दिल्ली में एमसीडी के लिए कल मतदान होगा। एमसीडी के 250 वार्डों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में कल सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 700 मतदान स्थलों में से 54 मतदान स्थल अति संवेदनशील। दिल्ली में पुलिस गश्त कर रही है। एनसीडी चुनाव में वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया लालू का भ्रष्टाचार मॉडल। भ्रष्टाचारियों का यार है केजरीवाल, दिल्ली का गुनहगार है। एक यूनिवर्सिटी बनाई नहीं लेकिन रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनाया जाता यह जरूर बता दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने समझाई जय श्री राम की फिलॉसफी। मालवा में मंच से राम के 3 नारों का मतलब समझाया। उन्होंने हे राम, जय सिया राम और श्री राम का मतलब समझाया और बीजेपी पर निशाना साधा। जब हम जय सिया राम कहते हैं तो हम सीता जी को याद करते हैं। राहुल ने कहा कि समाज में सीता की जगह होनी चाहिए, सब उनका आदर करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले जय सिया राम और जय सीताराम नहीं कह सकते क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है, तो वह जय सिया राम का संगठन ही नहीं है। राहुल गांधी के जय सियाराम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा बीजेपी को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, वो केवल इलेक्शन वाले हिंदू हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं। मैनपुरी उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव अब प्रचार को धार देने में जुट गई हैं। आज डिंपल यादव ने जसवंत नगर इलाके में रोड शो किया। डिंपल के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। डिंपल यादव ने अपने लिए वोट मांगे और लोगों से कहा कि एसपी को वोट देना ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गौरतलब है कि मैनपुरी में डिंपल का मुकाबला बीजेपी के रघुराज शाक्य से है। मैनपुरी में शाक्य वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक डिंडौरी पहुंचे। यहां बेलगांव बदल मध्यम सिंचाई परियोजना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गड़बड़ी करने वाले 3 बड़े अफसरों को सीएम ने सस्पेंड करने का निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अलग अलग जिलों और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की गैंग वॉर में हत्या। सीकर के पिपराली रोड पर बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। फायरिंग में एक और शख्स की मौत। इस फायरिंग में गैंगस्टर राजू ठेठ की मौके पर ही जान गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पटना में भ्रष्ट इंजीनियर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर संजीत कुमार विजिलेंस की छापेमारी। आरोपी के घर से मिला करोड़ों का कैश। नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। जेवरात और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद। कुछ दिन पहले ही 2 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे आरोपी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात आई सामने। तिलक नगर में एक शख्स ने अपनी 35 साल के लिव इन पार्टनर की गला रेत कर की हत्या। आरोपी ने महिला का गला रेतने के अलावा उसके हाथ की उंगलियां भी काट डाली और घर का गेट बंद कर मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे से शव किया बरामद।